नमस्कार, आपका स्वागत है वीके न्यूज यूपी पर। मैं हूं अमन शुक्ला। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आजकल गोरखपुर में अपने दो दिनों के दौरे पर है। इस दौरान जब भी सीएम योगी गोरखपुर जाते हैं तो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं जरूर सुनते हैं और अधिकारियों को उनका समाधान निकालने के आदेश देते हैं। इसी के चलते सीएम ने हर बार की तरह अब की बार भी जनता दरबार लगाया, जिसमें गोरखपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 300 फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री एक एक कर फरियादों के पास गए, सबकी समस्या सुनने के साथ प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सीएम योगी भड़क गए और अधिकारियों को ऐसी फटकार लगाई कि उनके पसीने छूट गए। दरअसल जनता दरबार में जन सुनवाई के दौरान कई ऐसे मामले मुख्यमंत्री योगी के सामने आ गए जिनके फरियादी पहले भी उनसे जनता दरबार में मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया। पीड़ित ने सीएम योगी को बताया कि अधिकारियों की लापरवाही से जमीनी विवाद में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। ये सुनते ही सीएम योगी वहां मौजूद डीएम पर भड़क गए। उन्होंने डीएम और एसएसपी को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम का गुस्सा इस कदर था कि वहां पर मौजूद अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर हर बार उन तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अफसर जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में जनता की समस्या को लेकर अफसरों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी के सामने महिला से धोखे से शादी कर उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी एक मामला सामने आया। रामगढ़ ताल इलाके की रहने वाली महिला ने सीएम योगी को बताया कि 3 साल पहले कोतवाली इलाके के नखास पर रहने वाले अमरुल हक नाम के व्यक्ति ने धोखे से उससे कोर्ट मैरिज कर ली और अब वो उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। ये मामला सुनते ही फौरन योगी ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साफ कह दिया कि जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ढिलाई की तो समझो खैर नहीं। बता दें कि सीएम योगी का यह अंदाज कोई नया नहीं है। वो इससे पहले भी कई बार अपने अधिकारियों को लापरवाही के चलते आंखें दिखा चुके हैं और साफ चेतावनी भी दे रखी है कि जनता के कार्यों में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए अब अधिकारियों को भी यह समझ लेना चाहिए कि योगी के राज में काम करना है तो लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बार बार समझाने पर भी अगर अधिकारी इस बात को अमल में नहीं लाते हैं तो सीएम योगी इन पर कब एक्शन ले लेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए बेहतर होगा कि अधिकारी अपने कार्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो ही ठीक है। इस खबर फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।